तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। इंडिया ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। फाइनल दोस्तों फाइटर फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इसके एक्शन देख किंग खान ने भी डायरेक्टर सिद्धार्थ और ऋतिक रोशन की जमकर तारीफ कर डाली है। फाइटर के एक्शन काफी दमदार लग रहे हैं और फिल्म का ट्रेलर एक लाइन में रिव्यू करे तो दमदार शानदार जानदार एक्शन ट्रेलर देखने को मिला है। इसकी शूटिंग भी पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने की है। फिल्म का ट्रेलर का इंतजार खत्म हो चुका है। ये फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि ऋतिक रोशन वार के बाद फिर एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। दोस्तों ऋतिक रोशन की आने वाली टाइम 3 से 4 फिल्में रिलीज होने वाली है जिसमें वार का दूसरा पार्ट और क्रिश 4 और फाइटर का लोग इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया पर जो टीजर डाली है उसके बाद से ऋतिक के फैंस के बीच बवाल उठ रहा है। ऋतिक की हर तरफ चर्चा हो रही है कि जो बॉडी ऋतिक बना रहे थे वो इस फिल्म के लिए बनाई गई है। दोस्तों हो सकता है आने वाले टाइम में क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाए क्योंकि काफी दिनों से क्रिश 4 के स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा था। हो सकता वह कंप्लीट हो गई हो। वार 2 की शूटिंग तो पहले कंप्लीट हो चुकी है। अभी तो फिलहाल वक्त है क्रिश 4 और फाइटर की शूट। आने वाले टाइम में हमें ऋतिक रोशन की 3 फिल्में तो देखने को मिलेगी। क्रिश 4 के बजट की बात करें तो 800 करोड़ के आसपास इसका बजट अभी बताया जा रहा है। ऋतिक के पिता राकेश रोशन ने फिल्म के बारे में कहा था कि इस बार वह हॉलीवुड लेवल का VFX यूज करेंगे। इसके लिए वह हॉलीवुड की VFX कंपनी की मदद भी ले सकते हैं। दोस्तों क्रिश 3 में विलेन विवेक ओबेरॉय थे लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि क्रिश 4 में विलेन कौन बनेंगे। लेकिन क्रिश 3 के बाद से ही लोग क्रिश के अगले पार्ट क्रिश 4 का इंतजार कर रहे हैं। अगर बात करें क्रिश 4 की तो अभी लोग उम्मीद कर रहे हैं शूटिंग स्टार्ट हो जाए। बाकी फाइटर का फिल्म काफी दमदार होने वाली है क्योंकि ऋतिक के साथ सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टर हैं जिन्होंने पठान बैन बैन वार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं।